क्लास एट्थ के कंप्यूटर सब्जेक्ट के तीसरे वीडियो में हम फिर हाजिर हैं और आपके HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का जो टॉपिक है क्रिएट सेव एंड ओपन रन एन HTML डॉक्यूमेंट फाइल, यानी कि आज हम इसमें सीखने वाले हैं कि HTML डॉक्यूमेंट को कैसे बनाया जाता है, उसे हम सेव कैसे करेंगे और उस सेव की हुई फाइल को हम रन कैसे कराएंगे या ओपन कैसे करेंगे। तो आज इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो सेशन के द्वारा जानेंगे। हेलो स्टूडेंट, दिस इज श्याम कुमार योर एजुकेटर एंड वेलकम टू योर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन आता है यहाँ पर, हाउ कैन वी क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट, मतलब हम HTML डॉक्यूमेंट को कैसे बनाते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है, टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट फाइल फॉलो दीज स्टेप्स। अगर आप HTML डॉक्यूमेंट की फाइल बनाना चाहते हैं, एक फाइल HTML की बनाना चाहते हैं, तो आपको ये दिए हुए स्टेप जो है फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप आपका कह रहा है ओपन नोटपैड और ए टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन। आपको अगर HTML फाइल बनानी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नोटपैड प्रोग्राम को ओपन करना है या फिर किसी एक ऐसे टेक्स्ट एडिटर को ओपन एप्लीकेशन को ओपन करना है जिस पर आप वो काम कर सको। दूसरा स्टेप क्या है, टाइप द HTML कोड फॉर योर डॉक्यूमेंट। फिर क्या करना है आपको, अगर आपका नोटपैड या फिर कोई भी एक ऐसा टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन है खुल जाता है, उस पर आपको वो HTML की पूरी कोडिंग लिखनी है, वो कोड लिखना है जिसे आप अपने वेब पेज पर दिखाना चाहते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में दिखाना चाहते हैं। तीसरा स्टेप क्या कहता है, क्लिक ऑन सेव और सेव एज ऑप्शन। जब आपका वो पूरी कोडिंग लिख जाए उसके बाद में फिर आपको कहाँ क्लिक करना है, सेव और सेव एज ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर क्या होगा, टाइप योर डिजायर्ड फाइल नेम, देन उसके बाद एक विंडो अपीयर होगी, उसमें आपको एक नाम लिखना है, फाइल का नाम जो आप उस फाइल का नाम रखना चाहते हैं वो आपको नाम लिखना है। फिर क्या है अगला स्टेप, आल्सो टाइप द एक्सटेंशन नेम ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। उसके बाद क्या करना है, जब आप अपनी फाइल का नाम लिख लेंगे उसके बाद में आपको एक एक्सटेंशन नेम भी लिखना है HTML डॉक्यूमेंट का। HTML डॉक्यूमेंट का आपको क्या लिखना है, एक एक्सटेंशन नेम लिखना है। एक्सटेंशन से मतलब होता है उस नेम से पहचान होती है कि ये किस प्रोग्राम की फाइल है। तो हम बनाने जा रहे हैं HTML की फाइल, तो हमें HTML फाइल बनाने का जो एक्सटेंशन होता है वो लिखना पड़ेगा। पहले हम अपना नाम लिखेंगे फाइल का, उसके बाद में HTML का एक्सटेंशन नेम लिखेंगे, जैसे कि .html। .html जो होता है वो HTML डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होता है, मतलब उससे पहचान होती है कि ये फाइल HTML की है, तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है .html, तो वो लिखना है। अगला स्टेप क्या है, सेव योर फाइल एट योर डिजायर्ड लोकेशन। उसके बाद में आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ पर भी उस फाइल को सेव करना चाहते हैं वहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये यहाँ पर आपको स्टेप्स दे रखे हैं, इन स्टेप्स के द्वारा आप अपनी मर्जी से कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम यहाँ पर बना सकते हैं या फिर कोई भी अपनी एक डॉक्यूमेंट फाइल बना सकते हैं HTML की, इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, हाउ कैन वी सेव एन HTML फाइल, हम HTML फाइल को सेव कैसे करेंगे। जैसा कि अभी आपने देखा है बनाने के लिए कि कैसे हम फाइल को बनाएंगे, तो और यहाँ पर देखते हैं हम सेव कैसे करेंगे। सेम वही प्रोसीजर है जो फर्स्ट क्वेश्चन में था, पहले वाले में था। टू सेव एन HTML डॉक्यूमेंट फाइल फॉलो दीज स्टेप्स, यानी अपनी फाइल HTML फाइल को सेव करने के लिए ये वाले स्टेप को फॉलो करें। पहला है ओपन नोटपैड प्रोग्राम को ओपन करें या कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन को ओपन करें, इन दोनों में से आप किसी भी एक एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। दूसरा स्टेप आपका कहता है टाइप द HTML कोड फॉर योर डॉक्यूमेंट, यानी आप अपने डॉक्यूमेंट के लिए HTML को कोड को लिखें जो भी आप उसमें दिखाना चाहते हैं। थर्ड ऑप्शन कहता है क्लिक ऑन सेव और सेव एज ऑप्शन, फिर आपको क्या करना है, सेव और सेव एज ऑप्शन पर क्लिक करना है।
अपनी फाइल को सेव करने के लिए। अगला है टाइप योर डिजायर्ड फाइल नेम, यानी आप अपनी इच्छा अनुसार अपने फाइल का नाम लिख सकते हैं, लिखना है। उसके बाद में क्या करना है उसका, आल्सो टाइप द एक्सटेंशन नेम डॉट एस टी एम एल ऑफ एन एस टी एम एल डॉक्यूमेंट, यानी एस टी एम एल डॉक्यूमेंट का डॉट एस टी एम एल एक्सटेंशन नेम भी लिखना है। उसके बाद क्या है, सेव योर फाइल एट योर डिजायर्ड लोकेशन, यानी आप अपनी फाइल को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी लोकेशन पर सेव कर सकते हैं। तो सेम प्रोसीजर वही है जैसा कि आपने फाइल बनाई उसमें जो स्टेप्स थे, और जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप फाइल को सेव कैसे करेंगे, तो वही पुराने वाले स्टेप्स आपको यहाँ पर भी फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे फाइल बनेगी वैसे ही सेव होगी, तो ये वाला भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, हाउ कैन वी रन एन एस टी एम एल फाइल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, हम बनाई हुई फाइल को कैसे रन कराएंगे। अभी आपने दो क्वेश्चन देख लिए हैं, पहला क्वेश्चन कहता है कि हम एस टी एम एल की फाइल को कैसे बनाएंगे, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है भाई हम अपनी एस टी एम एल फाइल को ओपन कैसे करेंगे या सेव कैसे करेंगे, जो भी है। तो हमने सेव भी कर लिया, फाइल को बना भी लिया, अब उस बनी हुई फाइल को हम रन कैसे कराएंगे, तो उसके लिए स्टेप्स यहाँ पे दे रखे हैं। देखिए क्या स्टेप्स दे रखे हैं, टू रन एन एस टी एम एल डॉक्यूमेंट फाइल फॉलो दिस स्टेप्स, यानी कि एस टी एम एल डॉक्यूमेंट फाइल को रन कराने के लिए आपको ये वाले स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप्स क्या कहता है, राइट क्लिक ऑफ माउस ऑन डिजायर्ड एस टी एम एल फाइल, जो भी आपने एस टी एम एल की फाइल बनाई हुई है उस पर माउस का राइट क्लिक प्रेस करना है आपको, यानी राइट क्लिक करना है उस बनाई हुई फाइल के ऊपर। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, सेलेक्ट ओपन विद ऑप्शन, जैसे ही आप उस पर राइट क्लिक करके क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस की उस फाइल के ऊपर, तो वहां पर एक ऑप्शन आएगा खुल के ओपन विद, उस पर आपको क्लिक करना है। थर्ड क्या कहता है, सेलेक्ट योर डिजायर्ड वेब ब्राउजर प्रोग्राम वेयर यू वांट टू रन योर एचटीएमएल फाइल, फिर आपको क्या करना है, आप अपने इच्छा अनुसार एक वेब ब्राउजर को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर आप अपने प्रोग्राम की फाइल को रन कराना चाहते हैं, मतलब जिस वेब ब्राउजर के अंदर आप अपनी फाइल को रन कराना चाहते हैं उसी वेब ब्राउजर को आपको क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगला ऑप्शन क्या कहता है, योर एस टी एम एल फाइल विल बी रन ऑन वेब ब्राउजर, तो आपकी वो वाली फाइल जो है वो उसी वेब ब्राउजर पर जो आपने चुना है उसी वेब ब्राउजर पर रन हो जाएगी। ये इसके स्टेप्स हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम टोटल जो भी एस टी एम एल फाइल को बनाना होता है, फाइल को सेव करना होता है, फिर उसके बाद उसी फाइल को रन करना होता है, तो ये तीनों चीज़ें हम सीख चुके हैं। अब इन्हीं तीनों चीज़ों को हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो चलिए, तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अभी आपने देखा एस टी एम एल फाइल को कैसे बनाएंगे, उसे कैसे सेव करेंगे, और फिर उसी फाइल को हम कैसे रन करेंगे, ये सारे स्टेप्स आपने अभी देखे हैं। तो चलिए अभी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि फाइल को कैसे बनाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा था कि फाइल को हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हमने क्या बताया था कि आपको एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम चाहिए, जैसे कि नोट पैड है, वर्ड पैड है, कोई सा भी आप प्रोग्राम ले सकते हैं जो टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। तो यहाँ पर हम नोट पैड देंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे, ये हमारा सर्च बॉक्स है, प्रोग्राम या किसी फाइल को सर्च करने के लिए यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे नोट पैड। ये नोट पैड एप्लीकेशन ओपन होकर आ रही है, तो इसी को हम ओपन करेंगे। ये बैकग्राउंड में हमारे नोट पैड ओपन होकर के आ गया है। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा था उसमें क्या था कि सबसे पहले हम नोट पैड प्रोग्राम या फिर किसी एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम को ओपन करेंगे। उसमें दूसरा स्टेप दे रखा था कि हमें उसमें एस टी एम एल की पूरी कोडिंग टाइप करनी है, तो कोडिंग के लिए सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर लिखना है इसमें, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो स्ट्रक्चर लिखेंगे, एस टी एम एल, सेकेंड स्टेप होता है हेड, थर्ड स्टेप होता है टाइटल, टाइटल। अब टाइटल में मैंने आपको बताया था ये जो टाइटल हम लिखते हैं वो उस वेब पेज का टाइटल होता है, तो इसमें लिख देते हैं वेब पेज टाइटल। वेब पेज टाइटल ये हमने इसमें लिख दिया, अब टाइटल को हम क्लोज कर देंगे। ये टाइटल
यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर ये क्लोज हो रहा है, बीच में हमने इसका टाइटल लिख दिया, ये चीज हमें यहाँ पर टाइटल पर दिखाई देगी जब हम इसको रन कराएंगे। चलिए अगला क्या है, यहाँ पर हम हेड को क्लोज कर देते हैं। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट हमारा बॉडी टैग स्टार्ट होता है। बॉडी को क्लोज भी कर देते हैं और लास्ट में HTML को भी क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, HTML स्टार्टिंग टैग, हेड स्टार्टिंग टैग, टाइटल स्टार्टिंग टैग, टाइटल लिखा, इसके बाद में हमने टाइटल क्लोज कर दिया, देन हेड क्लोज कर दिया, बॉडी टैग स्टार्ट किया, बॉडी टैग क्लोज किया और लास्ट में HTML क्लोज कर दिया। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब वेब पेज, इसको इतना लिखने से हमारा एक वेब पेज क्रिएट हो जाएगा लेकिन उसमें हमें कुछ दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि हमने बॉडी टैग के अंदर कोई भी कंटेंट नहीं डाला है, जो चीज़ हमें वेब पेज पर दिखानी है वो हमने अभी इसके अंदर नहीं लिखी है, तो उसमें हमें ब्लैंक वेब पेज बना हुआ मिलेगा। अगर आप उसमें कुछ लिखना चाहते हैं या कुछ दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम बॉडी के बीच में लिखेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर हम, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, ये एक लाइन हमने लिखी हुई है, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। तो इतना ही आपको उस वेब पेज में लिखा हुआ दिखाई देगा। ये था हमारा फाइल, मतलब फाइल को हम कैसे बनाएंगे, HTML फाइल को। दूसरा आता है फाइल को सेव करना, तो सेव करने के लिए वही ऑप्शन होता है, आप किसी भी प्रोग्राम की फाइल को बनाते हैं तो उसको सेव कैसे करते हैं, फाइल में जा करके सेव या फिर सेव एज ऑप्शन पर क्लिक करें, किसी एक पर भी क्लिक करना है, सेव एज पे किया हमने। तो फिर उसके बाद हम अपनी डिजायर्ड लोकेशन चुनेंगे, तो डिजायर्ड लोकेशन हम डेस्कटॉप को चुनते हैं, हम डेस्कटॉप पर उस फाइल को सेव करना चाहते हैं। यहाँ पर हम फाइल का नाम लिखेंगे, माई वेब, ये लिख दिया हमने माई वेब। यहाँ पर फाइल नेम लिखने के बाद में फिर मैंने बताया आपको एक एक्सटेंशन नेम लिखा जाता है, HTML की फाइल बना रहे हैं तो HTML फाइल का एक्सटेंशन होता है .html, वो भी स्मॉल लेटर में, तो यहाँ लिखेंगे .html। ये हमने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम HTML की फाइल को बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने .html लिखा है। उसके बाद हम सेव पर क्लिक कर देंगे, फिर इस फाइल को हम मिनिमाइज करेंगे। यहाँ पर हमें माई वेब पेज की एक HTML पेज दिखाई दे रहा है, फिर इसको हम राइट क्लिक करके, अब आता है रन कैसे कराएंगे, तीसरा क्वेश्चन था रन कैसे कराएंगे। तो रन करने के लिए बताएं, जो भी आपकी HTML फाइल है उस पर जा करके माउस का लेफ्ट राइट क्लिक करें, एक मेन्यू खुल के आएगी, उसमें से हम ओपन विद करेंगे, ओपन विद पर जा करके उसमें अपना कोई भी डिजायर्ड वेब ब्राउजर आप चुनेंगे, तो हम गूगल क्रोम में इसको ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये वाली जो फाइल है वो हमारी गूगल क्रोम में ओपन हो जाएगी। तो ये देखिए प्रोसेस हो रही है, ये फाइल अभी हमारी गूगल क्रोम में ओपन होगी। ये हमारा वेब पेज ओपन होके आ रहा है। यहाँ पे देखिए हमने टाइटल में जो लिखा था वेब पेज टाइटल, यही तो लिखा था, तो यहाँ पर ये टाइटल में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो भी टाइटल में लिखा जाता है वो यहाँ पर दिखाई देता है, और पूरे वेब पेज में जो हमने दिखाना था तो वो यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, ये हमने दिखाया था। मतलब बॉडी टैग के अंदर इतना ही हमने लिखा था, तो इतना ही हमको वेब पेज के अंदर दिख रहा है, बाकी सब ब्लैंक है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल था कि किस तरीके से हम HTML डॉक्यूमेंट को बनाएंगे और किस तरीके से HTML डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे और उसको हम रन कराएंगे। ये तीनों चीज़ें मैं करके दिखा चुका हूँ। सबसे पहले हमने नोटपैड ओपन किया था, उसमें HTML की कोडिंग की थी, फिर उसी फाइल को हमने डेस्कटॉप पर सेव किया था HTML का एक्सटेंशन नाम दे करके, फिर उसी फाइल को हमने अपने डिजायर्ड जो भी हमारा डिजायर्ड वेब ब्राउजर था उसी के अंदर हमने इसको रन कराया है। तो ये तीनों चीज़ें प्रैक्टिकली हो चुकी हैं, क्वेश्चन में भी करा दिया है। आज के वीडियो का सेशन यहीं फिनिश होता है और आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने आज के टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो मैसेज करें, आपकी क्वेरी को हर संभव प्रयास से दूर किया जाएगा। स्टूडेंट्स, जाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें।
अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे किसी की हेल्प हो सके। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टूडेंट्स, आगे के वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।